नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया गया। जन जागृति मिशन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कोटपुतली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वाधीनता संग्राम के महानायकों की पुण्यतिथि पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री राजस्थान सरकार राजेंद्र सिंह यादव, पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त कैलाश चंद्र धुमरिया मौजूद रहे, जहां पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राधेश्याम सिंह तंवर, पूर्व राज्य मंत्री प्रदेश अध्यक्ष बुनकर संघ राजस्थान गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, प्रदेश अध्यक्ष राजपूत महासभा जगदीश मीणा, पूर्व जिला पार्षद प्रदेश अध्यक्ष संस्कार सेना हनुमान सहाय सिरसी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा आदि मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस आंदोलन के दौर में आज हम सभी हमारे देश के सच्चे देशभक्त व हम सभी युवाओं का आदर्श भगत सिंह की शहादत पर याद कर रहे हैं, जो 23 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पर देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए, ताकि आने वाली पीढ़ियों में यहां हजारों भगत सिंह पैदा हों जो देश को हमेशा कभी गोरो अंग्रेजों से तो कभी काले अंग्रेजों से अन्याय, तानाशाही, शोषण, व्यक्ति की आजादी के लिए स्वतंत्र रूप से खड़े रहे। उन्होंने कहा कि आज हमें गर्व है कि लाखों क्रांतिकारी शहीदों की कुर्बानी के बाद हमने आजादी तो पाई है। इस आजादी को कायम रखना, संविधान के अनुसार देश चलाना, जनता की आवाज को सुनना हमारा कर्तव्य है। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वह भगत सिंह के वंशज हैं। जो लोग आज शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और जो पूंजीवाद निजीकरण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सही मायने में आज के भगत सिंह हैं। इस दौरान डॉक्टर अनिल कुमार मीणा, प्रभारी दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस, ने अपने विचार व्यक्त किए।